सब्सक्राइब कीजिए साइबर लाइफ चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एलसीप का जो कि लॉजिक फुल होगा और इसमें काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम लगेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहे साइबर लाइफ चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं इसको राइट कर लेता हूं और साथ ही साथ आपको समझाता जाऊंगा, फिर उसके बाद आपको फाइनली एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड, हम बना लेते हैं पहले, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी स्कैनर क्लास को। अब मैं बना लेता हूं क्लास। और हाँ फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको कहा था, ये हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखेंगे। तो ये मैं इधर से बनाऊंगा इसकी फाइल। तो मैं इसे अब सेव कर लेता हूं पहले, सेव e.java। तो सो फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बनाते हैं मेथड। हम इसमें देते हैं स्टार और मैं इसकी कर लेता हूँ कॉपी, आपको नहीं करनी है। और यहाँ पे डाल देता हूँ वेलकम टू साइबर लाइफ। मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पे डालते हैं एंटर योर चॉइस। क्रिएट अकाउंट, प्रेस 1। ओके फ्रेंड, अब मैं एक नीचे बना लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ उसको क्लियर और इतना दे देता हूँ स्पेस। और फिर यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन योर अकाउंट। ओके फ्रेंड, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं प्रेस 2, प्रेस 2। अब फ्रेंड, हम यहाँ लगाते हैं इफ कंडीशन। तो इफ सबसे पहले हम वैल्यू इनपुट ले लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे ऊपर बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का, स्कैनर s डॉट न्यू। ओके फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, इंटीजर टाइप का ही ले लेता हूँ चॉइस। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम कंडीशन इफ, अगर चॉइस बराबर बराबर 1 है तो हम ये वाली कंडीशन चलाएंगे। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक else if, अगर चॉइस बराबर बराबर 2 है तो हम ये वाली चलाएंगे, अदरवाइज अगर वो कोई वैल्यू गलत टाइप कर देता है तो हम यहाँ पे else के अंदर उसको एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। समथिंग रॉन्ग। ओके फ्रेंड, अब हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे। अब उसने किया क्रिएट अकाउंट, यानी उसने फर्स्ट चॉइस किया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाहर वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग नेम बना लिया मैंने, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग एंड नेम यानी लास्ट नेम। अब यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक स्ट्रिंग यूज़र नेम, यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्ट्रिंग पास। ओके, अब हम इसमें करते हैं कोडिंग। हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैं पहले किसी भी एक मेथड को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हम काफ़ी जल्दी इस प्रोग्राम को बना सके। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ एंटर द फर्स्ट नेम। ओके फ्रेंड, और आपको यहाँ से एलन हटा देना है क्योंकि हम आगे की साइड नाम लेंगे। और अब यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं, वो कैसे, नेम डायरेक्ट एस डॉट नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पे। एंटर द लास्ट नेम। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहां से इनपुट ले लेते हैं एल नेम। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम यहां पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। एंटर न्यू यूजर नेम। अब हम यहाँ भी इनपुट ले लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर रखा है यूजर एस डॉट नेक्स्ट सिंपली। सो फ्रेंड, हमने ले लिया है यहाँ पे इनपुट। अब हम डालते हैं पासवर्ड के लिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर न्यू पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, अब इसकी आईडी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे भी एक इनपुट ले लेंगे पास का और एस डॉट नेक्स्ट। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं इसको। योर आईडी इज कंप्लीट। अब हम इसको बोलते हैं लॉगिन करने के लिए, तो प्लीज लॉगिन। ओके फ्रेंड, अब हम यहाँ पे लॉगिन वाला लॉजिक लगाते हैं, तो हम इसको एक मैसेज प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। वो क्या, यस या नो। ओके फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे लॉजिक दे देता हूँ यस या नो का, तो हम इसमें सिंपल इफ़ दे देते हैं, सिंपल इफ़। तो हम यहाँ पे पहले इनपुट ले लेंगे, हमने इसमें वेरिएबल नहीं बना रखा है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल भी साथ के साथ बनाएंगे स्ट्रिंग। यहाँ पे हम वाई एन ले लेते हैं यानी यस या नो एस डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे डाल देते हैं हम वाई एन। और अब हम यहाँ पे डालते हैं इक्वल्स यस। ओके फ्रेंड, अब मैं दे देता हूँ इसकी बॉडी। अब हम इसके अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं। अब यहाँ से हम बोलते हैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
यहाँ पे प्रिंट लगा दिया खाली, एंटर योर यूज़र नेम, और हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग बना लेंगे इधर से, स्ट्रिंग इनपुट में लेंगे हम यूज़र टू, ओके फ्रेंड, एस डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम एंटर योर पासवर्ड। अब हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग पास टू एस डॉट नेक्स्ट, ओके फ्रेंड। अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देते हैं दोबारा से, इफ। अब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, चाहे तो हम अलग अलग ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो अब हम एंड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो आसान है और अभी के लिए आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ यूज़र डॉट इक्वल्स अपना यूज़र टू, ओके फ्रेंड। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंड ऑपरेटर, और अब हम यहाँ पे डालते हैं पास इक्वल्स पास टू, और यहाँ पे दे देते हैं हम इसकी बॉडी, और यहाँ पे डालते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट ओके, ओके फ्रेंड। और यहाँ पे डाल देते हैं हम एल्स के अंदर इसके, तो ठीक है फ्रेंड, ये बन चुका है हमारा प्रोग्राम। अब मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल ये बोलेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा हमारी, मैं स्टार कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद वेलकम टू साइबर लाइफ, उसके बाद यहाँ पे बोलेगा एंटर योर चॉइस, क्रिएट अकाउंट प्रेस वन, लॉगिन योर अकाउंट प्रेस टू। तो फ्रेंड, हमने लॉगिन वाले में कोडिंग नहीं की है अभी, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी कोडिंग करने की। तो हमने फिर यहाँ पे वेरिएबल बना लिए, यहाँ पे हमने इंटीजर चॉइस एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर ले लिया है, यानी ये चॉइस, अगर ये चॉइस करता है वन तो ये चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे हम इसके लॉजिक के बारे में बात करते हैं, तो हमने सिंपली यहाँ पे दिया एंटर द फर्स्ट नेम, इसने फर्स्ट नेम एंटर कर दिया जो कि हमने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया एंटर द लास्ट नेम, हमने यहाँ पे लास्ट नेम भी एंटर करवा लिया। अब यहाँ से हमने यूज़र भी एंटर करवा लिया और पासवर्ड भी एंटर करवा लिया। उसके बाद हमने एक प्रिंट किया यहाँ पे, योर आईडी कंप्लीट ओके प्लीज़ लॉगिन। तो हमने यहाँ से पूछा इसको यस या नो, तो इस हमने वाई एन के अंदर ये इसका इनपुट स्टोरेज करवा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर यस होता है तो चलता है, हमने सिंपल इफ़ लगाया यहाँ पे, देखिए इफ़, उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है ये, उसके अंदर हमने फिर लगाया यहाँ पे एंटर योर यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है फ्रेंड। और हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई, अगर ये यहाँ पे ट्रू हो जाता है, देखिए यूज़र, यानी यूज़र जो हमारा पहले वाला यूज़र है, यहाँ पे उसने जो यूज़र आईडी डाली होगी और पासवर्ड भी वही है जो यहाँ पे पासवर्ड डाला होगा, और ये वाला जो यूज़र टू है जो यहाँ पे डाला है, और जो ये पासवर्ड टू है ये भी यहीं पर डाला है। तो अगर वो सही हो जाता है तो ओके, अगर रॉन्ग हो जाता है तो रॉन्ग। इसमें हम और कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि इसका नाम, तो वो आप डाल के देख लेना, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें एक दो एरर भी आ सकती है अभी, तो मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब फ्रेंड, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही पड़ा है, तो मैं उसी की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ एरर आई है। सो फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि इसमें एरर्स क्या है। तो इसमें एरर्स मिल गई फ्रेंड मुझको, इसमें जो हमारी इक्वल्स की स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है, और इसमें जो है हमारे प्रिंट एलन में मिस्टेक है, तो हम इनको सही कर लेते हैं सबसे पहले।
तो हम अपने इक्वल्स को सही कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये रहा, अब मैं इनको सही कर लेता हूँ। इक्वल्स, और एक इधर है। ओके फ्रेंड, अब मैं प्रिंट एलएन को सही कर लेता हूँ। अब हम इसको सेव करके कंपाइल करते हैं सिंपली। तो देखिए फ्रेंड, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं उसकी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ पहले। तो इसकी फाइल का नाम देख लेते हैं हम। ई नाम से है फाइल और डी नाम से इसकी क्लास है। तो जावा सी, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और अब जावा डी। अब देखिए, वेलकम टू साइबर लाइफ, एंटर योर चॉइस, क्रिएट अकाउंट, प्रेस वन। तो हम प्रेस वन कर देते हैं। एंटर द नेम साइबर, लास्ट नेम लाइफ, एंटर द न्यू यूजर नेम हेलो साइबर, एंटर द पासवर्ड पास 123, योर आईडी इज कंप्लीट, ओके प्लीज लॉगिन, यस, एंटर योर यूजर नेम हेलो साइबर, एंटर योर पासवर्ड नेम, पासवर्ड पास 123, ओके। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने लॉजिक लगाया है इसमें, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इस लॉजिक को लगा के देख सकते हैं और उसमें एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं आप। और मैं आपको ये गूगल ड्राइव के लिंक से भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहे साइबर लाइफ चैनल के साथ। तो बाय बाय।